नमस्ते भाइयों और बहनों, फंक्शन कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने बनाएंगे आटा चॉकलेट केक। ये केक किसी बिना ओवन बिना कुकर के बनेगा, तो देखते रहिए और देखते रहिए कैसे बनता है आटा चॉकलेट केक। ये केक बहुत ही स्वादिष्ट है देखने में और खाने में तो अत्यंत ही स्वादिष्ट है। चलिए अब हम शुरू करते हैं केक कैसे बनाएं। सबसे पहले आपने एक बाउल के अंदर चीनी लेनी है। चीनी आप 4 से 5 चम्मच ले सकते हैं और ये चीनी एक बाउल के अंदर लीजिए। सबसे पहले अपनी क्वांटिटी के हिसाब से चीनी लीजिए, 5 चम्मच चीनी आप डालिए वो जो कि एक सफिशेंट होगी इसके लिए। फिर आप इसमें ऐड कीजिए मिल्क, 1 ग्लास मिल्क, पूरा 1 ग्लास मिल्क ऐड करना है आपने। 1 ग्लास मिल्क ऐड करके इसको आपने क्या करना है, चम्मच से अच्छे से मिलाना है, अच्छे से मिलाना है, चम्मच से अच्छे से मिलाना है। जितना आप इसको मिलाएंगे ताकि चीनी इसकी आराम से घुल जाए, जितनी अच्छी चीनी घुलेगी उतना ही ज़्यादा इसमें अच्छा रहेगा। अभी हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आप जैसे डालेंगे दूध में, दूध हल्का हल्का सा कुछ फूला फूला सा लगने लगेगा। देखिए हिलाते जाएँ हिलाते जाएँ, बेकिंग पाउडर डालने से दूध में चीनी जल्दी घुल जाती है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखिए घुमाते जाएं। अब आप इसमें डालेंगे, ये हमने चॉकलेट पाउडर लाया है, ये चॉकलेट पाउडर आपने इसमें मिला देना है। जैसे आप इसमें ये चॉकलेट पाउडर मिलाएंगे इसको अच्छे से शेक करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। चॉकलेट पाउडर की क्वांटिटी का ध्यान रखिए, आपने इसको ऑलमोस्ट 1/4 कप डालना है और इसको डालते ही दूध में अच्छे से आपने इसको शेक करना है। इतना अच्छे से मिलाना है कि जब तक ये अपना पूरा इसकी लटिया नहीं बननी चाहिए और अच्छे से घुल जाए, इसीलिए हमने चॉकलेट पाउडर पहले ही दूध में डाल दिया है। दूध में डाल के इसका एक अलग ही कलर आता है इसमें, ताकि मिक्सिंग प्रॉपर हो जाती है इसके अंदर और साथ में ईजिली बनता है। अगर ये हम आटे में मिक्स करते तो ठीक से ये प्रॉपर मिक्स नहीं बनता। अभी हम इसको अच्छे से आप घोलिए घोलिए, चीनी भी है इसमें, ये भी है, घोलिए। घोलने के बाद देखिए ये अब घुल चुका है। घुलने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चीज़ें, ये देखिए ये है दही। दही हमने निकाल के रखा था पहले से ही, आप 2 से 3 बड़े चम्मच दही डाल सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं। मैंने 2 से 3 चम्मच इस छोटे से बर्तन में डाला है। अब देखिए दही डालते ही आप इसको हिलाते जाएं, हिलाएं अच्छे से। हिलाने के बाद दही इसमें आपको दिखेगा। फिर इसमें आपने डालना है नमक। नमक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नमक आटे में डाल के ये इसे फूलने में मदद करता है थोड़े थोड़े, इसलिए नमक आप ज़रूर डालें और इस मिक्स को अच्छे से मिक्स करें। इसको मिक्स करते जाएं करते जाएं, अच्छे से ये घुल जाए ताकि। अब हमने ये इलायची ली है, इलायची हमने अच्छे से कूट के रखी हुई है। जितनी आप इसको फाइन चॉप करेंगे उतना ही इलायची अच्छे से उसकी उतनी महक अच्छी आएगी। हमने ये 3 बड़ी इलायची ली है ग्रीन कलर की, उनके बीज को हमने अच्छे से कूट दिया है और उसके बाद इसको इसमें मिला दिया गया है। अब देखिए बीज जाते ही पानी में भीग जाए और इलायची का टेस्ट ही अलग है। इलायची से एक रिफ्रेशिंग टेस्ट आता है आपके खाने में। अब जैसे हमने इसमें डाल दिया, अब हम इसको हिलाएंगे कंटिन्यूसली। हिलाने के बाद थोड़ी देर इसमें अब हमने डाला है दालचीनी पाउडर। दालचीनी पाउडर बहुत ही ज़रूरी है आपके, दालचीनी एक रिफ्रेशिंग फ्लेवर देती है इसके अंदर, जो आपके केक को जब आप खाएंगे एक इसमें एक हल्का सा स्वीटनेस प्रदान करेगी। और दालचीनी ऐसे भी अपनी बॉडी के लिए अच्छी से इम्यूनिटी बढ़ती है। दालचीनी बहुत ज़रूरी है खाने, हम चाहे आप इसकी चाय के फॉर्म में खाएं चाहे इस फॉर्म में। अब इसको आप कंटिन्यूसली मिक्स कीजिए, मिक्स करते जाएँ, मिक्स करते जाएँ, अच्छे से इसको देखिए ताकि जो हमने जितने भी पदार्थ डाले हैं ये इसमें अच्छे से घुल जाएँ। अब हम इसमें देखिए आप बॉल से बन गए हैं। अब हमने ये आटा छान के रख दिया है, ये प्योर आटा है, ये कोई मैदा नहीं है, ये आटा लिया है हमने, चक्की का आटा है। डालिए अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना आपने डालना है। ये हमने 6 से 7-8 बड़े चम्मच डाले हैं आटे के, तो आटा डालें आप इसमें अच्छे से। फिर आटा डालने के बाद आप इसको हिलाते जाएं हिलाते जाएं, अच्छे से आपने इसको घुमाना है घुमाना है ताकि अच्छे से इसमें कोई लटियाँ ना बने और ये बिल्कुल प्रॉपर मिक्सिंग में हो जाए। अभी आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे फॉर्म ले रहा है, ठीक हो रहा है। इसमें डालने का एक बहुत ही अजय अपना अलग ही अनोखा टेस्ट आता है। ये जैसे हमने इसमें डाला, देखिए धीरे धीरे करके ये ठीक होते जा रहा है होते जा रहा है। इसको हमने अच्छे से घुमाना है, प्रॉपर मिक्सिंग जरूरी है, प्रॉपर मिक्सिंग। चाहे आपके पास मिक्सर होगा आप उसमें मिक्स कर सकते हैं, या आपके पास ब्लेंडर होगा तो ब्लेंडर से कर सकते हैं। हमने नॉर्मल देखिए बिल्कुल थिक फाइन पेस्ट बना देनी है। फिर हमने लिया है कॉफ़ी सोलेबल कॉफी पाउडर, ये कॉफी पाउडर हमारे पास था, ये जरूर डालें, इससे आपके इसमें एक रिफ्रेशिंग टेस्ट आएगा कॉफ़ी का, जो बहुत ही अच्छा है। एक तो इसको सुनहरा ब्लैक रंग देगा और काला देगा चॉकलेट फ्लेवर, और दूसरा कॉफ़ी का हल्की सी कॉफ़ी का टेस्ट केक में लाजवाब होता है, उसके कहने की बात नहीं। तो देखिए हल्का सा ब्राउनी शेड आया है कॉफी डालने से। अब हमने इसको प्रॉपर मिक्सिंग करनी है, खूब अच्छे से मिक्सिंग करनी है, जितनी मिक्सिंग होगी उतना अच्छा रहेगा। मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। जितना देखिए अब आपने ये कितना थिक हो गया, इसमें से बबल्स निकलने शुरू हो गए, ये हमारा बेकिंग पाउडर का काम है, जो हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला। अब हमने इसमें थोड़ा और कॉफ़ी पाउडर डाला, अच्छे से मिक्स कीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर आप अपनी इसके हिसाब से डाल सकते हैं कोको पाउडर, आपको अगर डिपेंड करता है आप कितना ब्लैक केक पसंद करते हैं। ये अभी स्टार्टिंग में आपको दिखेगा लाइट ब्राउन, हल्का ब्राउन, लेकिन जब ये गर्म हो जाएगा, जब ये पक जाएगा, उसके बाद ये एकदम ब्लैक हो जाता है। तो ये गलती मत कीजिए कि ये ब्लैक नहीं हो रहा, तो आप इसमें और डालते जाएं। वो आपको ज़्यादा कॉफ़ी पाउडर डालने से भी, और ज़्यादा कॉफ़ी पाउडर डालने से और साथ में ज़्यादा कोको पाउडर डालने से केक कड़वा बनता है। इसलिए ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये सुनहरे रंग का ही होना चाहिए, ना ज़्यादा काला ना ज़्यादा सफ़ेद, एकदम मीडियम भूरे रंग का होना चाहिए। अब देखिए हमने और आटा डाल के बराबर प्रॉपर मिक्सिंग कर दी है, एक थिक स्लरी सी बन गई है। बस इस स्लरी को हमने अच्छे से मिक्स करके रख दिया है ऑफ कैमरा, तो अब इसको प्रॉपर मिक्सिंग हो गई है। देखिए अब कैसे थिक पेस्ट बन गई है। इस पेस्ट को अब आपने क्या करना है, हमने इसको अच्छे से, इसमें आपने 1-2 चम्मच ऑयल भी डाल सकते हैं, ऑयल बहुत नेसेसरी है डालना,
ऑयल से क्या होता है, आप इसमें ऑयल नहीं है तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, घी भी इंपॉर्टेंट है, घी डालिए या ऑयल डालिए एक ही बात है, इससे कि थोड़ा सॉफ्ट बनता है, जितना सॉफ्ट बनेगा उतना अच्छा है। देखिए अभी आप इसको प्रॉपर मिक्सिंग कीजिए, जितनी आप मिक्सिंग अच्छे से करेंगे उतना ही केक आपके फूलने ज़्यादा फूलेगा, जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना अच्छा फूलेगा केक। अब हमें क्या करना है, एक आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, देखिए ये बर्तन आपका कुछ भी हो सकता है, आप एल्युमिनियम का बर्तन ले सकते हैं, आप इसका बर्तन ले सकते हैं स्टील का, ये हमारे पास रोटी का डब्बा था जो अंदर से ढक्कन होता है हमने वो लिया है, इसको आपने प्रॉपर ऑयलिंग करनी है चारों साइड से, चारों साइड से इसमें अच्छे से ऑयलिंग करें, और ये बहुत नेसेसरी है, ये नहीं करेंगे तो ये चिपक जाएगा। आप एल्युमिनियम का भी यूज़ कर सकते हैं, केक का पर्टिकुलर मिलता है, लेकिन हमने हमारे पास यही हमें ज़्यादा अच्छा लगा, ये बड़ा भी था, हमने बड़ा बनाना था केक इसलिए हमने ये यूज़ किया। प्रॉपर ऑयलिंग अप्लाई कीजिए चारों साइड से, अच्छे से अप्लाई करना है। अब जैसे ऑयलिंग लग जाए प्रॉपर, आप ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हैं, फिर इसके बाद आप इसमें डालिए आटा, आटा डालिए आप, आटा डालने के बाद क्या होगा, इस आटे को अच्छे से देखिए आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी है, ये आटा आप अच्छे से चारों साइड लगाइए, पूरे इसमें इसका एक एक कॉर्नर अच्छे से हो जाना चाहिए, जितना अच्छा आप आटे को लगाएंगे उतना ही आपका केक इस पर चिपकेगा नहीं, और बहुत ही आसानी से बहुत ही ईजी तरीके से निकल जाएगा। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसा हो, ये अब हमने चल रहा है, चल रहा है ओके। अब जो आपके पास एक्सेस है, एक्सेस को आप पकड़िए और एक्सेस को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। जैसे अब हमने ये जो एक्सेस आटा अच्छे से झाड़ेंगे, झाड़िए इसको, अब जो भी एक्सेस आटा है वो हमने वापस डाल दिया है आटे के उसमें। अब आपने क्या करना है, एक पैन लेना है, इसके अंदर पानी डालना है, और ये एक स्टैंड लेना है, स्टैंड नहीं होगा तो आप प्लेट भी ले सकते हैं, उल्टी करके रख सकते हैं, छोटी प्लेट ये आप स्टैंड लीजिए, या कटोरी भी रख सकते हैं छोटी सी उल्टी करके। अब आपने उसमें कर देना है इंडक्शन ऑन, और इंडक्शन होगा, गैस होगा, कुछ भी होगा, ऑन करके रख दीजिए ताकि वो अच्छे से थोड़ा पानी गर्म हो जाए। अब देखिए अभी जो भी ये आटा है हमारे पास, हम इसको अच्छे से इसमें उल्टा देंगे, ध्यान रखिए पूरा बर्तन कभी मत भरिए, आधे से थोड़ा ऊपर ही भरिए, क्योंकि जब ये केक फूलता है तो ये अच्छे से ये ऊपर आ जाता है, तो इसलिए ये इसका बहुत जरूरी है इतना ऊपर, क्योंकि हम इसको स्टीमिंग से बना रहे हैं तो इसलिए हम इसके ऊपर से कवर करेंगे, कवर करेंगे तो हमें इसको पूरा नहीं ढकना क्योंकि ये फूलेगा भी। अब देखिए हमने इसको अच्छे से जब इसको बिठा के रखिए ताकि पूरा सेटल हो जाए, अब हमने इसको पकड़ के रखा है इसके ऊपर, इंडक्शन के ऊपर रख दिया यहाँ पे गैस में। अब इंडक्शन ऑन कीजिए आप, ये चीज़ ध्यान रखिए कि पानी इसके टच इससे ऊपर ना जाए, ठीक है। अब हम इसमें फॉइल पेपर लगाएंगे, फॉइल हमने बाहर निकाल के फॉइल पेपर लीजिए, एल्युमिनियम फॉइल पेपर, एल्युमिनियम फॉइल पेपर हमने लिया है, और इस फॉइल पेपर को हम अब आप इसको अच्छे से एल्युमिनियम पेपर चारों साइड से फॉइल पे लगा दीजिए, उसके बाद चारों साइड से इसको प्रॉपर कवर कीजिए, कवर करने के बाद इसको उठा के इंडक्शन पे रख दीजिए। ये एल्युमिनियम फॉइल पेपर आपको जो इस पे भाप आने वाली है भाप से बचाएगा, ताकि भाप केक में ना जाए और केक को कोई इफेक्ट ना हो। अब हम इसको स्टीमिंग के थ्रू पकाएंगे, भाप के थ्रू, इसमें ना हम कुकर यूज़ कर रहे हैं ना हम इसमें ओवन यूज़ कर रहे हैं, यही इसकी खास बात है। इसमें ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसमें जो टेस्ट आता है जो मध्यम आंच में पकने का वो मज़ा ही अलग है। अब देखिए हमने इसमें लिड भी डाल दिया है, ढक्कन डाल दिया है, ढक्कन ट्रांसपेरेंट है, अब हमें इस पर दिखता भी रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम देखिए इसमें टाइम हो चुका है, 8 से 10 मिनट हो गए हैं, अभी इसको भाप आना इसमें शुरू हो गई है। अब इसमें हम ये स्टीमिंग से जैसे जैसे भाप बढ़ती जाएगी, भाप नीचे बर्तन को लगे टच हो गए, बर्तन धीरे धीरे हल्की आँच पे अपना केक हमारा बनना शुरू करेगा। चलिए तब तक हम इसकी क्रीम बनाते हैं जो इस पर हमने ऊपर चॉकलेट लगाना है। आपने क्या करना है, एक पैन में मलाई डालनी है, 2 से 3 बड़े चम्मच डालिए मलाई, ये हम इसकी चॉकलेट बता रहे हैं, 2 से 3 चम्मच डालिए मलाई, और इसको आपको हीट करना है, ये क्रीम है जो हम जनरली केक के ऊपर से लगाते हैं, हीट कीजिए। फिर हम इसमें डालेंगे सेम कॉफ़ी पाउडर, कॉफ़ी पाउडर डालिए आप, कॉफ़ी पाउडर बहुत ज़रूरी है, इसी से इसमें एक ब्लैकिश टेस्ट आएगा, जो हम डार्क चॉकलेट केक चाहते हैं ऊपर से क्रीम में वो इसी के थ्रू आएगी। कॉफ़ी पाउडर डालिए, और उसके बाद आप इसमें डालिए कोको पाउडर, कोको पाउडर और कॉफ़ी पाउडर बहुत नेसेसरी है इसको ब्लैकिश शेड देने के लिए। अब देखिए जैसे कि हमने ये डाला इसमें, अब आपने इसको एक मिक्सिंग देना है, प्रॉपर मिक्सिंग, जितना आप इसमें अच्छा मिक्स करेंगे उतना ये अच्छा बनेगा। अब हम देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं, ये हमने इसमें डाल दिया कॉफ़ी पाउडर भी, अच्छे से कॉफ़ी पाउडर डालने के बाद प्रॉपर मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप कॉफ़ी पाउडर डालेंगे आपको इसको मिक्स करते जाना है ताकि ये इजीली मिक्स हो जाए, इसकी कोई लिट्टियाँ ना बने, क्योंकि यही चीज़ यही आपकी फिनिशिंग आपको फाइनल टच देगा केक का, इसलिए इसको अच्छे से आप मलाई के बदले आप मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मलाई स्वीट होती है थोड़ी वो ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए हमने मलाई यूज़ किया। देखिए मलाई डालते ही क्या सुनहरा रंग आ गया है, अब जैसे जैसे ये हीट होता जाएगा ये आपको ब्लैकिश होता जाएगा, जितना जितना ये गाढ़ा चॉकलेट फॉर्म लेगा उतना ही ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। आप देखिए इसको कॉन्स्टेंट हिलाया जाए, लेकिन इसको आप हल्की आँच पकाएं, ये देखिए एकदम से ब्लैक हो गया है। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने इसमें डालना है हमने चीनी, ये देखिए एकदम ये बिल्कुल ज़्यादा इतनी ही हमें थोड़ी कंसिस्टेंसी इसकी वो करनी है, बढ़ानी है, कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक रखनी है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप थोड़ा 1 चम्मच आटा ज़रूर डालिए, ये एक टिप है, 1 चम्मच आटा डालिए। 1 चम्मच आटा डालने से क्या होगा कि आटे का एक अच्छी परफेक्ट लेयर बनेगी, हमने इसमें चीनी डाली है, हमने इसमें 1 चम्मच आटा भी डाला है, पता नहीं डाला है कब स्किप है, स्किप हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हमने इसमें 1 चम्मच आटा डाला था। 1 चम्मच आटा डालिए, अच्छे से इसको बनाइए, देखिए ये अब सुनहरी फॉर्म लेना शुरू कर दिए, ये हीटिंग ध्यान रखिए गैस हल्की होनी चाहिए, इस पर आप अपना प्रॉपर पानी भी डालिए ताकि ये ठीक से, भी ध्यान रखिए पहले आप पूरी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं बनाएंगे, आपने फ्लोइंग कंसिस्टेंसी ही रखनी है, ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि बाद में ये पूरी की पूरी पेस्ट थिक हो जाती है।
इसकी क्रीम पे जितना आप इसको हिलाएंगे उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा, सुनहरा टेस्ट आएगा और उतना ही इसका अच्छा रंग। देखिए ये मेरा एकदम आपको पानी सा लग रहा है, लेकिन देखिए अब जैसे जैसे ये हीट होते जाएगा ये आपको खुद ही दिखते जाएगा ये कैसा हो गया है। बस हिलाते जाएँ, यही एक खास बात है चॉकलेट सिरप की जब भी हम बनाएं कि इसको कॉन्स्टेंटली हिलाते जाना है आपने। देखिए तब तक हमारा केक भी बन रहा है, केक कम से कम आपको 40 से 50 मिनट इसको इंडक्शन पर रखना पड़ेगा या हल्की गैस पर हल्के आंच पर रखना पड़ेगा। अब देखिए ये पानी उबल गया, लेकिन एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि जो आपने इसमें पानी यूज़ किया है बीच बीच में आप आके पानी चेक करते रहिए, क्योंकि पानी इसमें बीच बीच में खत्म हो सकता है। हमारा भी 1 से 2 बार ऐसा हुआ पानी कम हो गया, हमने फिर से पानी इसमें ऐड किया, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। अब ये देखिए हमारा चॉकलेट बन गया है, ये अभी ऊपर आ गया है, थोड़ा थोड़ा फूल गया है, अच्छा है, फ्लफी है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं, लेकिन ये गर्म है, इसको हम इजीली बाहर निकालेंगे, आपको दिखाएंगे। इसको आप निकालने के बाद 1 घंटे तक ठंडा करने के लिए रखिए। पहले आप इसको चेक कीजिए टूथपिक डाल के, अगर ये प्रॉपरली टूथपिक बाहर आ गया बिना किसी उसके, इसका मतलब आपका केक परफेक्ट बन गया। अब ये देखिए केक हमारा बन गया, हमने 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम इसको करेंगे प्लेट में पलटा, ये देखिए प्लेट में केक पलट चुका है, ये नीचे का पोर्शन है जो आटा से लगा था इसलिए ये आपको व्हाइटिश दिख रहा है, और ये देखिए हमारा केक साइड साइड पे आपको ये व्हाइटिश दिख रहा है क्योंकि हमने ये आटा लगाया था, ये देखिए चारों साइड से इसलिए व्हाइटिश दिख रहा है। ये हमारा केक है परफेक्ट, बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही स्पॉन्जी बना है केक ये, और ये देखिए ये फूला भी है। अब हमने इस पर क्रीम लगा दी गई है, क्रीम हमने इस पर वही क्रीम यूज़ की है, अच्छे से चारों साइड सप्लाई की है एक ही प्लेट में, और हमने गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स डाले हैं ऊपर से। आप भी ऐसे करके बादाम डालिए चारों साइड से, काजू भी रखिए, और ये देखिए केक हमारा रेडी है। बस आपने कुछ नहीं करना, बस यही है गार्निशिंग बहुत मैटर करती है, वही क्रीम लगा दें और इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखें, कम से कम आधे से 1 घंटा फ्रिज में रखें, ये पूरी क्रीम बैठ जाएगी और अच्छा दिखेगा। अब आप देखिए ये हमने कुछ शॉट्स दिखाए हैं आपको केक के, कितना अच्छा केक हमारा बना है, ये देखिए कितना सुनहरा रंग है। जितना देर आप इसको फ्रिज में रखेंगे ये पूरी चॉकलेट लेयर इस पर अच्छे से जम जाएगी और काफ़ी अच्छा इस पर आई चिपकी जाएगी, बहुत ही सुनहरा टेस्ट आएगा इसका। ये देखिए अलग अलग एंगल से हमने लिए हैं केक के फोटोज़, और हमने इसी प्लेट में इसकी पेस्टिंग की थी, तभी देखिए साइड से दिख रहा है कि ठीक से फिनिशिंग नहीं है, लेकिन इसी पे सेम प्लेट पर रखे, इसको उठाइएगा नहीं है। और थैंक यू, प्लीज़ आज आपको अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।